Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. मुझे लगता है कि दिया बाती ने ऑलरेडी इतना कुछ दिया है ना कि वो साथ में ही है. ऐसा नहीं है, मतलब जो चीज़ें वो आई एम रियली 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 ग्रेटफुल कि मुझे इतना अच्छा शो करने का मौका मिला. और उस शो के चलते मतलब मैं न्यू थी मुंबई में और इतने सारे रिश्ते मुझे मिले, इतने सारे फ्रेंड्स मुझे मिले, मुझ में कॉन्फिडेंस आया, मुझ में मैं खुद ट्रांसफॉर्म हो गई. तो वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे कोई ले नहीं सकता. और फ्रेंडशिप, फैमिली, कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाए, अपनी वीकनेस पता लग जाए, तो वो चीज़ है. स्पेशली हाँ, और जिस तरह से संध्या ने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ बैलेंस की, उससे मुझे खुद को काफ़ी काफ़ी सीख मिली. और मतलब मुझ में भी वो आया कि हाँ, मैं भी ऐसा करूँगी अपनी लाइफ में, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट उससे मुझे भी स्ट्रेंथ मिली. तो ऐसी सारी चीज़ें हैं कि वो साथ हैं. मतलब मैं बताती हूँ ना, थोड़ी धनराशि मिली, काफी धनराशि मिली, अवार्ड मिले, पति मिला, बच्चे मिले, भाई कितना कुछ ले लिया तुमने. अभी भी कह रही हो सबको मिला, सबको मिला. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस तो है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली है, अवार्ड मिले मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धनराशि, धनराशि. अवार्ड और धन ऐसे है कि आज है कल नहीं है. वो एक अच्छा ड्रीम है, जब होता है बहुत अच्छा लगता है, मगर वो ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके साथ चिपक के रह सकती है. मगर कॉन्फिडेंस और रिश्ते और प्यार जो है ना, वो आपको सुंदर बनाता है, वो आपको ग्लो देता है, और वो आपके अंदर एक अजीब सी कशिश रखता है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मेरी आप मेरे पोस्ट भी देखते हैं, तो वो एक वाइब है जो मुझे दिया बाती से मिली. और I'm happy that I have that vibe because of Diya Bati. पिछले साल नहीं आ पाए थे क्योंकि कोविड था उस टाइम पे, तो नहीं मिलना हुआ. उससे पहले मैं जब मिली थी तब मैं मिली थी. और लेकिन कोई बात नहीं, हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू इतना एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं कि क्या रोज हो रहा है, बल्कि रसोई में क्या पकता है वो तक मुझे पता है. सेम मेरा भी यही है कि रेन, बारिश में जाके मैडम वर्कआउट कर रही हैं और मॉर्निंग का और वो मंडे मोटिवेशन जो होते हैं कनिका जी के, वो मुझे मैं सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है. रियांश के साथ जो वीडियोज देखती हूँ, और कितनी स्ट्रांग मॉम है, एंड एक बहुत ही वाइजर मॉम है. काफ़ी मुझे सीखने का मिलता है जिस तरह से रियांश को एक अच्छी परवरिश दे रही है. और दिया बाती के दौरान ही मतलब मैं उनकी प्रेगनेंसी के फेस में थी उनके साथ में, तो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती हैं जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते. और या थैंक्स टू इंस्टा, थैंक्स टू फेसबुक कि उसके जरिए टच में रहते हैं कहीं ना कहीं. जब मुझे कोई पोस्ट अच्छा लगता है तो मैं मैसेज डाल देती हूँ, डायरेक्ट मैसेज कर देती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी बात हो जाती है. वही देखिए, सब बहुत बिजी है और मिलना यही है कि बाबू के बच्चे बड़े हो गए, देख के लगता है कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ. बाबू से मैं टच में रहती हूँ, वीडियो कॉल्स करती रहती हूँ, बात करते रहते हैं. और वही सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग दूर हैं. और लेकिन सोशल लाइफ एक अलग लाइफ, एक पर्सनल लाइफ अलग है. तो ऐसे ये मौके होते हैं जो बैठ के दुख सुख की बातें कर सकते हैं और मिल सकते हैं. तो ये दिया बाती का मैं ये रीयूनियन नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, दिया बाती ने हमें बांधा है. और इतने साल हो गए, 8-10 साल हो गए, लेकिन रिश्ता कायम है, वो सुंदर है. भाभों से फ़ोन पे बात होती रहती है, और स्पेशली जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और जब मुझे लगता है कि हाउ टू बैलेंस, एक्चुअली जब मुझे लगता है इट्स वेरी टफ टू बैलेंस, तब मैं ज़रूर फ़ोन करती हूँ भाभों से. और मुझे कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती ही है हमेशा. और भाभों हमेशा कभी भी मैंने उनको फ़ोन किया है तो कभी मतलब इनफैक्ट हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे कभी ऐसा नहीं होता जब भाभों वीडियो मैसेज ना भेजे. तो बहुत ही स्वीट हैं भाभों, और बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है. और जैसे मैंने बताया, जब भी मैं बहुत बड़ी परेशानी में होती हूँ, जब मुझे नहीं समझ में आता कि हाउ टू बैलेंस प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, देन आई डायरेक्टली, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं उनको कॉल करती हूँ. ये तो मेकर्स के ऊपर है कि मेकर्स हम सबको दोबारा देखना चाहते नहीं है, वो तो खैर देखना चाहते हैं, वो तो फैंस को बताना पड़ेगा कि वी वांट देम टू लाइक दे हैव टू सी अस टुगेदर.
वो तो फैंस को नहीं नहीं देखिए स्टार प्लस को नहीं डेफिनेटली स्टार प्लस भी जाते हैं, मेकर्स भी जाते हैं, बट मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं और उसके चलते जो है मैंने कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स दे रखे हैं, तो इस वजह से फॉर सम टाइम तो नहीं हो सकता, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एक्चुअली फैंस एंड स्टार प्लस एंड शशि सुमित प्रोडक्शन वॉन्ट्स अस टू बैक एंड जो है वो हम सबके साथ में फिर से काम करना चाहते हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको इतना लंबे समय काम करने के बावजूद भी आपको लोग देखना चाहते हैं और आपको पसंद करते हैं, तो आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पापा के लिए और ग्रेटफुल भी हूँ कि मतलब इतना सब कुछ मिला है लाइफ में, सो बस और मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे